वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स अ सैटरडे और सैटरडे को हम क्या करते हैं, हम जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए सुबह सुबह, वो भी कांजूरमार्ग में। तो वैसे दो तीन महीने हो गए हम लोग नहीं गए, सो वी आर स्टार्टिंग इट अगेन फ्रॉम टुडे। तो चलते हैं, पहले तो मुझे पिकअप करना है भूषण को पवई से और फिर वहाँ से स्ट्रेट टू कांजूरमार्ग। इफ़ यू आर नॉट एट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज ऐसे ही मैं ट्रेंडिंग और अभी तो मैंने व्लॉग भी शुरू किया और मेरा मोटर व्लॉग भी चालू हो चुका है, तो ऐसे ही ट्रेंडिंग और ट्रैवलिंग के ऊपर मेरे वीडियोज़ रहते हैं and I will keep posting such videos for you guys. भाई अरे बैटरी डाउन है, वॉलेट लाने के लिए बोला चल रहा है, तो रिचेबल नहीं है, मालूम क्या हो गया, बैटरी डाउन है। फ्रेंड्स मीट भूषण, फ्रेंड्स यह है हीरा नंदानी पवई, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पवई। सो गाइस मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन पवई, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप पवई में विजिट कर रहे हो तो आपको कौन से प्लेसेस पे विजिट करना चाहिए। क्रॉसिंग गांधीनगर ब्रिज नाउ गाइस, मॉर्निंग बाइक राइड इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड क्रिकेट के लिए तो मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ। सो नाउ वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट कांजूरमार्ग, आगे जाके लेफ्ट लेना है। रीच एट डेस्टिनेशन, तो ये परिवार सोसाइटी का ग्राउंड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राउंड कितना बड़ा है। एक्चुअली कभी भी सैटरडे का हो यहाँ पे पूरा ग्राउंड भरा रहता है, सब लोग यहाँ पे खेलने आते हैं। तो पवई के पास में अगर मैं रह रहा हूँ ना, तो इससे बड़ा ग्राउंड आसपास नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, हम लोग 7-8 लोग हैं आज, नेक्स्ट सैटरडे बहुत ज़्यादा होंगे। फिर सॉरी गाइज, गोप्रो का चार्जिंग ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे मोबाइल से व्लॉगिंग करना पड़ रहा है। सो गाइज मीट मेरा फ्रेंड अरविंद, हाय। सो ये ऑलराउंडर है संतोष सर, हाय। तो ऐसा सुना है अभी कि ऑफिस का जो टूर्नामेंट है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस साल, तो बाकी अभी प्लेयर आ रहे हैं, सो हम सोच रहे हैं अभी कि मैच लेना है दूसरी टीम से, सो वी आर वेटिंग फॉर सम। सो फ्रेंड टॉस हो चुका है, शायद हमारी बैटिंग है फर्स्ट। अभी बाउंड्री चेक हो रही है, सब लोग एक ही टाइम पे खेलते रहते तो ये प्रॉब्लम होता है, तो बाउंड्रीज डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बॉल बाजू से गया, तो हमारे पहले बैटिंग है, टॉस जीता तो बैटिंग लेना चाहिए।
गाइस स्कोर हुआ है 28 चार ओवर में, चार ओवर का मैच है तो उनको अभी रन चेस करने के लिए 29 रन चाहिए। एकदम तेज नाम है हमारे दोस्त का और ये बहुत तेज बॉलिंग डालता है और आप देखना अभी कितने स्पीड से डालेगा ये बॉलर। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने जिसके साथ फ़ोटो निकाली अभी, तो वो विनोद कामरी नहीं है, विनोद कामरी के भाई है, सगे भाई, तो बिल्कुल सेम दिखते हैं और वो रहते हैं यहाँ पे कांजूर मार्ग में, हर सैटरडे हमारे साथ क्रिकेट खेलने आते हैं। ग्राउंड देखो यहाँ पे ना बहुत सारी टीम्स खेल रही है एक दूसरे के साथ, तो कहाँ से भी कहीं पे भी बॉल आता है तो थोड़ा बच के ही फील्डिंग करना पड़ता है। एक दो बार तो मुझे अभी लग गया सुबह सुबह। आज के पहली ही बॉल पे उनके बैट्समैन ने सिक्स मारा है, तो स्टार्ट तो बहुत ही बुरी हुई है। आई होप स्कोर थोड़ा कम रहेगा एंड वी कैन चेस नाउ। सो फ्रेंड्स मैच हो गया दोनों भी, अनफॉर्चुनेटली हम दोनों भी मैच हार चुके हैं, बट नेवर माइंड, हम एक्चुअली दो तीन महीने के बाद खेल रहे हैं तो ये होता ही रहेगा। अभी नेक्स्ट सैटरडे जब आएंगे तो अच्छा खेलेंगे और होपफुली वो दोनों मैच जीत जाएंगे। सो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो ऑफ माय मोटो व्लॉगिंग एंड आज सैटरडे और आज मेरा एक दोस्त आने वाला है कोलार से, उसके साथ लैमिंगटन रोड जाने का प्लान है, तो चलते हैं अभी। अभी तो बहुत भूख लगी है, पहले जाऊँगा कुछ खाऊँगा, नहाना भी है, उसके बाद निकलूँगा।